हम सभी कभी ना कभी इस कंडीशन से गुजरे हैं कि भाई आज हम बीमार हैं और हम कंफ्यूज्ड हैं कि भाई हम जिम में जाके वर्कआउट करें या फिर ना करें, क्योंकि हमें अक्सर लोगों की दो बातें सुनने को मिलती है। पहली चीज़ तो यह है कि वो बोलते हैं कि भाई आप बीमार हैं तो आपको जाके वर्कआउट करना चाहिए, आपको अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देना चाहिए, आप अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे तो आप ज़्यादा वीक फील करोगे और ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। और दूसरी चीज़ वो ये बोलते हैं कि भाई अगर आप बीमार हो तो आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, क्योंकि आप अपने बॉडी पर और ज़्यादा स्ट्रेस डालोगे बीमारी के बाद भी तो कंडीशन और ख़राब हो सकता है। तो गाइस आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करूँगा कि किसी डिजीज़ के होने के बाद हमें जिम जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो आज हम मेनली बात करेंगे फीवर, कोल्ड, छींक आना, कफ, खांसी होना, मतलब मेनली ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, सिम्टम्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई और बड़ी बीमारी है, जैसे कि आपकी कोई सर्जरी हुई है, आपके हाथ टूट गए, आपके पैर टूट गए, कोई इंटरनल ऑर्गन की इंजरी हुई है, तो ऑब्वियसली आप इस कंडीशन में बेड से खड़े भी नहीं हो सकते, तो जिम में वर्कआउट करने की बात तो दूर ही है। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा। सो हेलो गाइस, दिस इज मानस एंड यू वॉचिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फैक्ट्री। गाइस अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अगर मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करूं कि क्या हमें किसी भी डिजीज एंड सिम्टम दिखने के बाद जिम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मेरा आंसर होगा यस, हमें जिम करना चाहिए। एंड मेरा आंसर ये भी है कि नहीं, जिम नहीं करना चाहिए। भाई अब ये क्या चक्कर है? यस गाइस, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं, कौन सी डिजीज हुई है और आप कैसा फील कर रहे हैं कि आप वर्कआउट करने लायक हैं या नहीं लायक हैं। तो गाइस इस चीज़ को ज़रा क्लियर करूंगा। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक रूल यूज करते हैं, इट इज़ कॉल्ड अबव द नेक रूल। ये रूल ये कहता है कि आपको अगर कोई भी सिम्टम अपने नेक से ऊपर दिखे तो आपको यस, आप जिम जा सकते हो, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी नाक बंद है, आपको छींक आ रही है, आपको खांसी हो रही है, हल्का सर दर्द है, तो ऐसे ही अगर कुछ सिम्टम नजर आते हैं तो आप यस गाइस जाके वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी वर्कआउट की इंटेंसिटी हल्का सा ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रनिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल आप 30 मिनट्स की रनिंग करते हैं और आपको अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप इसको हल्का सा इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट 10 मिनट रनिंग करिए। और जैसे कि आप वेट लिफ्टिंग या फिर वेट एक्सरसाइजेस करते हैं तो अपना वेट जो है उसको हल्का सा ड्रॉप कर दीजिए। और अगर अब हम बिलो द नेक की बात करें तो कंडीशंस जैसे कि नौजिया, बॉडी एक मतलब बॉडी में हद से ज़्यादा पेन हो रहा है, फीवर या फिर डायरिया जैसी बीमारी हो रखी है, तो यस गाइज आप अपना वर्कआउट स्किप करना कंसिडर करें। गाइज यहाँ तक कि कफ, खांसी, अगर इसका लेवल भी बहुत ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तब भी आप कंसिडर करें कि आप अपना वर्कआउट स्किप करें। गाइज अगर हम फीवर की बात करें तो आप इसमें सबसे ज़्यादा वीक फील करते हैं, आपकी बॉडी इज मोर प्रोन टू डिहाइड्रेशन, आपकी मसल एक मसल पेन होती है, इवन लॉस ऑफ एपेटाइट भी कॉज होता है, तो आपकी बॉडी इस कंडीशन में इतना ज़्यादा वीक है तो आप अपने वर्कआउट को इतने एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे इंजरी होने के और डिहाइड्रेशन के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो गाइज अगर आपको ऐसी चीज़ें जैसे कि मैंने बोला कि बिलो द नेक वाली चीज़ें हैं तो आप कंसिडर करें कि आप अपने वर्कआउट को स्किप कर दें। तो गाइज ये अल्टीमेटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कि आपको अंदर से फील आ रही है कि आप वर्कआउट कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं तो आप कंसिडर करें कि वर्कआउट को स्किप कर दें। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ वर्कआउट कर सकते हैं बीमारी के बाद, जैसे कि अबव द नेक वाली रूल बताई मैंने, वैसी कुछ कंडीशंस है, आपको लगता है कि आप वर्कआउट कर सकते हैं, तो आप जाइए वर्कआउट करिए, लेकिन अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी हल्का सा ड्रॉप करिए। सो गाइस टू सम अप, मैं सिर्फ जुकाम और फीवर का बता देता हूँ कि अगर जुकाम आपको है तो यस आप जा सकते हैं, इंटेंसिटी हल्का सा ड्रॉप करेंगे। फीवर जैसी चीज़ें हैं तो आप स्किप करें वर्कआउट को। और जुकाम में आप जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आप वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि आप जिम में जाके बीमारी दूसरों को ना फैलाएं, तो थोड़ी सी अपनी हाइजीन मेंटेन करें, तो फ्रिक्वेंटली आप अपने हाथों को धोते रहिए और छींकते और खांसते वक्त मुंह पे कपड़े का इस्तेमाल करिए ताकि दूसरों को बीमारी ना फैले, क्योंकि आप इस केस में इतना सेल्फिश है कि भाई आपको वर्कआउट करना है तो उस चक्कर में आप दूसरों को बीमारियां फैला रहे हैं। सो गाइस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि आपको छोटी मोटी बीमारी होने के बाद आप वर्कआउट कर सकते हैं नहीं। सो दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, चल देन स्टे फिट से हेल्दी, दिस इज मानस, टेक केयर।